हेलो स्टूडेंट, लेट सी दिस क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन एल एन वन प्लस एक्स बाय एल एन वन प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू। तो बच्चों यहाँ पे देखे तो अपन अगर एक्स का वैल्यू जीरो रख दे तो ये जो है ना साइन एल एन वन का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो ये ऊपर तो जीरो आ रहा है, नीचे भी जीरो है, तो जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रहा है। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, यहाँ पर लिमिट x टेंड टू जीरो साइन एल एन वन प्लस एक्स, तो ये जो अंदर में दे रखा है ना इससे अपन डिवाइड कर देते हैं इसको, तो एल एन वन प्लस एक्स आ जाएगा। और इसी से अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे एल एन वन प्लस एक्स में जो है ना अपन x से डिवाइड कर देते हैं और x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और अपन को एक चीज़ दे रखा है यहाँ पे y में एल एन वन प्लस साइन एक्स दे रखा है, तो साइन एक्स से अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं और साइन एक्स से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अपन को एक चीज़ पता है बच्चों, अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स दे रखा है तो इसका वैल्यू वन होता है, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एल एन वन प्लस एक्स बाय एक्स होता है तो इसकी भी वैल्यू अपन वन के बराबर होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए तो ये जो है ना साइन ये पूरा एक्स लिखा हुआ है और ये भी बाय में एक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि तो ये भी जीरो है और नीचे भी जीरो है, तो साइन इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होता है, वन होता है, तो यहाँ से ये भी वन के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से एल एन वन प्लस एक्स अपॉन एक्स इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन के बराबर हो जाएगी, और साइन एक्स अपॉन साइन एक्स की वैल्यू भी किसकी बराबर हो जाएगी, वन के बराबर हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो इस एल एन वन प्लस साइन एक्स और बाय साइन एक्स तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन के बराबर हो जाएगी। तो वन इंटू वन इंटू वन इंटू वन करेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगी, वन के बराबर हो जाएगी। यहाँ से देखें तो इस लिमिट की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, वन के बराबर आ रही है। बच्चों अपन को फोर्थ ऑप्शन में गिवन है, तो अपना फोर्थ ऑप्शन जो है ना करेक्ट आ रहा है बच्चों,